आप जो कर रहे हैं वो जी प्रोपेगेंडा कहते हैं, आप जो कर क्या रही कह हैं रहे हैं? इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। मिट मीडिया का काम सच दिखाना है, हम सच प्रोपेगेंडा कर बताना रहे है। हैं। बिल्कुल आप कर रही हैं। नीरज आप तो मेरे घर से बड़े भरे बैठे हैं, मगर आपने पूरा गुस्सा निकाला। बहुत देर हो जाए दुनिया को भारत की इन हरकतों का नोटिस ले लेना चाहिए। अच्छा मकबूजा कश्मीर में भी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी है और जो काबिज भारतीय फोर्सेज उनकी जानिब से कश्मीरियों की शहादतों का सिलसिला आप देख रहे हैं कि रुक नहीं रहा, जारी है। अच्छा मकबूजा कश्मीर में भारत यक तरफा इकदाम खित्ते के अमन के लिए खतरे का बाइस भी है और खुद भारत में अकलियती बिरादरी महफूज नहीं है और ये है मोदी का शाइनिंग इंडिया। अच्छा ये बात तो बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ उनकी मायूसी और उनके जो अंदरूनी तजादात हैं उससे तवज्जो हटाने की कोशिश को जाहिर करते हैं। भारतीय जासूस जो कुलभूषण है उसको भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि कुलभूषण को वकील फराहम करने से मुतालिक भारत को एक और मोहलत दे रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि भारत ने पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। भारत का मौकिफ इस पर यह है कि जी वो वियना कन्वेंशन के तहत एक खुद मुख्तार रियासत है, मगर अटॉर्नी जनरल के मुताबिक भारत ने अपने आज कैदियों की रिहाई के लिए इसी अदालत से रुजू किया था। इसमें सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपके वजीर अजम मोदी जी कहते हैं कि भारत में जमहूरियत कायम है, जमहूरियत कहते किसे हैं, किसे हैं? ये हिंदुस्तान का प्यार है जो आपको सलाम किया जाता है। आपने बड़ा सीधा सा आरोप लगा दिया हिंदुओं पर या किसी भी कौम पर। आरोप लगाना बहुत आसान, लेकिन आरोप की क्यों ऐसा नहीं बताना, हुआ क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपको, आरोप की सच्चाई। मैंने इंतहा पसंद हिंदुओं बोला, तमाम हिंदू नहीं बोला, और ये वाकया हुआ वहां पर। आप कहते हैं वाकया नहीं हुआ नीरज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दो अच्छा ये हुआ ही नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। दो लोगों के झगड़े को, अभी आपने असम का जिक्र किया कि मुसलमानों पर हमला किया, असम में मुसलमानों पर हमला नहीं किया, असम और मिजोरम का झगड़ा था उसको लेकर के दो स्टेट के झगड़े को आपने हिंदू मुसलमान का रख दे दिया। बताइए ये कैसा, ये मीडिया नहीं हो सकती ना। मीडिया का काम है सच को दिखाना, सच को सामने लाना। मीडिया का काम प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा कहते हैं, आप जो कर रही है इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। मीडिया का काम सच दिखाना है, हम प्रोपेगेंडा सच कर रहे हैं। बिल्कुल आप कर रही हैं। नीरज आप तो मेरे घर से बड़े भरे बैठे हैं, मगर आपने पूरा गुस्सा निकाल दिया। कमर में आपकी तरफ आना चाहती हूँ। प्रोपेगेंडा ये होता है कि शाहरुख खान के बेटे के पास, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, उसके बेटे के पास अगर थोड़ी सी वो एक ऐसी जगह में पाया गया जहाँ पे मंशियात थी तो उसके ऊपर सारा भारतीय मीडिया खड़ा हो गया। जबकि पिछले ही हफ्ते नरेंद्र मोदी जी के शहर गुजरात में $2 अरब की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया की खबरें हैं। तो मोदी साहब के शहर से $2 अरब की ड्रग्स पकड़ी जाए तो कोई खबर नहीं है, लेकिन शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान एक्टर है, उसका बेटा आर्यन मुसलमान है, तो मुसलमानों को ये ड्रग्स सप्लायर और ये साबित करना चाहते हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही वजह है कि वो आज दर बदर धक्के खा रहे हैं, पूरा मीडिया खड़ा हो गया है। एक मासूम बच्चा जिसकी थोड़ी सी अभी उम्र है, जिसको जो किसी गलत कंपनी में अगर बैठ गया, जो कि उसको नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ये सारे के सारे मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है डॉक्टर साहब, ये एक ऑर्गेनाइज कैंपेन है मुसलमानों के खिलाफ। तो सुनील ये शाहरुख खान का बेटा, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया गया। फिजा मैं आपके सवाल का जवाब क्या दूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम भाईचारा जिसको भारत सरकार ने, जिन हमारी जो बहनें हैं मुस्लिम भाईचारे के बीच जो आती हैं उनके लिए इतना अच्छा काम किया, ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने एक अच्छे कानून बनाया, और आप कह रहे हैं कि खान है या ऐसा है या बस वैसा है। हमारी जो भारत सरकार है और उसमें जो कई मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं उसमें भी कितने ही खान होंगे, मुस्लिम भाईचारे के लोग होंगे। तो ये मीडिया की गोदी मीडिया, आपने कहा भारतीय मीडिया को, मैं आपकी बड़ी आराम से बातें सुनता हूँ आपके साथ जब भी प्रोग्राम में आता हूँ, लेकिन बिल्कुल ये निराधार। और पाकिस्तान की जितनी भी आवाम इस वक्त आपके टीवी चैनल को देखती है, मैं कहता हूँ कि जनहित की बात की जाए, जन सरकार की बात की जाए, या तो आप ये बोल दो कि आज सुबह जो पाकिस्तान में भूकंप आया था उसके पीछे भी जो है भारत का हाथ है। मतलब बिल्कुल इस तरीके का क्या मसला, किसानों के मसले की आप लोग करते हैं, एक मिनट सुनिए, बात कर रहे हैं आप लोग करते हैं,
आप लोग हमारे परिंदों को जासूस समझ लेते हैं, ये आप लोग करते हैं, हर बात आप पाकिस्तान पे उल्टा देते हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान के मैं पूरी आवाम को नहीं दोषी ठहराता, पहली बात। ये जो हुक्मरान हैं और ये जो मिस गाइड और मिसलीड जो कंफ्यूज एंड रूल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ जो आप जिसे गोदी मीडिया भारत को कहते हैं, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, किसके इशारों पे या मीडिया ऐसी बात कर रही है, बातें जो है भड़काऊ तरीके से ना की जाए। आप एक चैनल के एंकर का भारतीय का हम तो खुलकर तंकीद करते हैं, एक मिनट हम तो हमारा मीडिया तो खुलकर तंकीद करता है, जो भी गवर्नमेंट होती है उस पर तंकीद की जाती है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भारत, आप लोग बीजेपी पे तंकीद करते हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी के किरदार पे तंकीद करते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, बीजेपी की क्या पॉलिसीज है, कश्मीर में क्या हो रहा है, आप लोग तंकीद करते हैं, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, अभी तो किसान में एहतजाज करे, सिखों के साथ जो कर रहे हैं, आप लोग कौन बात करते हैं वहाँ पे, किसानों की भारत की बात छोड़ो, पाकिस्तान में टमाटर खरीदने के हालात तो रहते नहीं है। चाइना बड़ा चुपते है, चाइना की पाकिस्तान के साथ दोस्ती आपको बड़ी चुपती, चले मैं समझती हूँ आप लोगों का दर्द, आप लोगों का दुख, गोदी गोदी में जाके कमर चीमा, और अभी कमर ये मेरी बात उसमें कमर मेरी बात सुने कि चाइना का जिक्र करते हैं ना, ये बड़े चुपते हैं, इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। मुझे सीधी सी बात ये है डॉक्टर फिजा, सीधी सी बात ये है कि हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी तत्कालीन सुषमा स्वराज, उन्होंने एक बात कही थी, उनकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि इधर उधर की बात ना कर, जरा ये बता कि खजाना लूटा क्यों, तो इमरान साहब से या तो जाके शरीफ साहब से पूछें कि खजाना लूटा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो जमीनी तौर पर हालात है उनपे बात, ये कहां से बात ले आए, इधर भारत में क्या कुछ कर रहा है, क्यों आदमियों के पेट में गड़बड़ी हो रही है, कमर 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 मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, कमर आप सुनील की बातें सुन रहे हैं। कमर चीमा जी ने बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, कह दिया कि शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया, शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया, सुन लीजिए शाहरुख खान का बेटे के नाम आर्यन खान, और केवल व्हाट इज इन खान एक डायलॉग भी है, शाहरुख खान को जब इस देश ने इतना मोहब्बत और प्यार दिया तब कमर चीमा को वो याद नहीं आया, वो 19 करोड़ मुसलमानों के हीरो नहीं है, वो 130 करोड़ भारतीय के हीरो हैं, ये ध्यान रखिए कमर चीमा जी। और आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया तो आर्यन अकेला नहीं था, उसके साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब तक 16 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और उसमें से 90% से ज्यादा, देखिए ना मेरी बात में जो उनको आप बार बार अक्सर जिक्र करते हैं जी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये जो मुसलमान अदाकार है उनको आप लोग बड़ा प्यार देते हैं, बेसिकली मजबूरी है आपकी, जाहिर बात है जब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेगा जो पैसा लगाएगा फिल्म पे, कमर आप इस बात से अग्री करेंगे, जो फनकार ज्यादा कमा कर दिखाएगा, टैलेंट है ना, टैलेंट में तो कोई मतलब नहीं है, टैलेंट है, अगर टैलेंटेड है वहाँ पे मुसलमान अदाकार तो फिर वो प्रोड्यूसर की है जो बजट खर्च कर रहे हैं वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसकी मजबूरी बन जाएगा ना, शाहरुख खान या सलमान खान इसको साफ तो नहीं कर रहे हैं, वो तो मजबूरी है उनकी क्योंकि कमा के देंगे ये अदाकार के नाम पर फिल्म बिकेगी, ये बॉलीवुड मुसलमान। अच्छा वैसे माशाल्लाह नोट कीजिएगा कि जितने मुसलमान फनकार है ना वहाँ पे टैलेंट सिर्फ उन्हीं में ज्यादा, बाद में है भाई, पहले भारतीय हैं, दे ऑल आर इंडियन फर्स्ट, आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को, मुसलमान है जनाब, पहले हिंदुस्तानी है, तो तभी भारत वाले के साथ ये कर रहे हैं, कुछ और है जनाब, बाबा इकबाल ने हमें समझाया पहले है, इकबाल की बात है, यही तो सजा मिलनी है शाहरुख खान और उसकी फैमिली को, आपकी बात क्यों भारत ही है, चले उनको मुसलमान आप ना समझे, भारत ही तो समझ के उनको इज्जत दें, मुसलमान समझ के उनको दबाने की कोशिश आप लोग करते हैं तो भारत ही तो समझे, उनके ऊपर कौन सी उंगली उठाई, देखिए उनकी इज्जत पे कौन सी उंगली उठाई किसी ने, लेकिन आप हमारे मुल्क को बदनाम मत कीजिए, आप प्रोपेगेंडा की दुकान खोलिए, कमल चीमा जी आपके इस प्रोग्राम को जितना हिंदुस्तान में देखा जाता है उतना पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता, ये हिंदुस्तान का प्यार है आपके लिए, क्या इस क्या? बात को आप समझिए, आपके इस प्रोग्राम को जितना हिंदुस्तान में देखा जाता है दोबारा बोलिएगा, पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता, ये हिंदुस्तान का प्यार है आपके लिए, ये मोहब्बत होती है किसी एक देश से दूसरे देश की, आप कैसे किसी हिंदुस्तानी अच्छा को कह रहे मोहब्बत तभी होगी ना जब आप अच्छी बात करेंगे, इसका मतलब वहाँ लोग मानते हैं, वहाँ पे इसका मतलब लोग मानते हैं कि मैं सही सवाल उठा रही हूँ, हम सही सवाल उठा रहे हैं, हम तो कहते हैं कि वीजा लीजिए, लाहौर से बस आती है उसमें बैठिए, भारत आ जाइए, हम आपकी जो भी आपको सवाल है सबका जवाब देंगे।
वास्तविक तौर पर बात कीजिए, घुमरा फिरा के गोदी मीडिया वाला, ये पाकिस्तान में चलता होगा, ये भारत में नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री का गोदी मीडिया है और देश का जिस तरीके से काश वो प्रधानमंत्री बन जाते ना, कि मुल्क बेड़ा गर्क करने चले हैं भारत का। इमरान खान साहब जैसे जैसे शरीफ साहब कैफे खोलेंगे, आज वो कहां जाके छुपे हैं। शरीफ साहब की शराफत देख ली, खान साहब की देखिएगा, 150 अरब से ज्यादा तो आपको पाकिस्तान को आर्थिक संकट आया पड़ा है। बंदे को वजीर आजम बना सकते हैं, 120 करोड़ से ज्यादा। इस कौम की सोच, इस कौम की सोच देखिए कैसी है। 150 अरब से ज्यादा तो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, टमाटर खाने को नहीं मिल रहे, और बात कर रहे हैं औकात की। किसी मुल्क के प्रधानमंत्री को आप बोल रहे हैं इमरान खान साहब की हम बात कर रहे हैं तो भी इज्जत दे रहे हैं, और आप एयरपोर्ट पे क्या होता है इमरान खान साहब की।